दोस्तों जियो फाइबर के राउटर का जो 399 वाला प्लान है, ठीक है, उसमें आपको क्या क्या मिलता है, आप उसको किस तरह से लगवा सकते हैं, कितने टीवी चैनल्स मिलते हैं, स्पीड कितनी मिलती है, प्रोसेस क्या है, आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी, ठीक है, क्या आपको वो फ्री मिलेगा या उसके बॉक्स के आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। इन शॉर्ट इस वीडियो में जो 399 वाला प्लान है ना, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक गैजेट्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि पहले जो होता था, जो राउटर लगाने का जो तरीका था, उसमें क्या होता था, आपको ना 2500 रुपए आपको देने पड़ते थे, ठीक है, आपको उसमें सेटअप बॉक्स मिलता था और वाईफाई का राउटर मिलता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो बस ये देखिए, मैंने बॉक्स लगवाया हुआ है जियो फाइबर राउटर का, इसमें 399 वाला प्लान मैंने ऑप्ट किया है, तो इसी की मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको उसको किस किस तरह से लगवा सकते हैं, आपको लगवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप जब 399 वाला प्लान ऑप्ट करेंगे ना, तो उसमें सिर्फ आपको वाईफाई का राउटर मिलेगा, आपको सेट टॉप बॉक्स नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज का ना ध्यान रखिए कि अगर आपको सेट टॉप बॉक्स भी चाहिए साथ में, तो 399 वाला जो प्लान है वो आपके किसी काम नहीं आएगा, उसमें सिर्फ आपको वाईफाई मिलेगा, ठीक है, 30 Mbps की स्पीड से आपको अनलिमिटेड वाईफाई मिलेगा, उसका आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको सेट टॉप बॉक्स चाहिए तो आपको उससे जो ऊपर का जो प्लान है, जो 599, 699, 899, 999, उसके ऊपर के जो प्लान है आपको वो ऑप्ट करने पड़ेंगे, उसके साथ आपको वाईफाई का राउटर और 4G सेट टॉप बॉक्स आपको दोनों मिलेंगे। तो 399 वाले प्लान में कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम ना बेसिक प्लान ले लेते हैं, क्योंकि जियो जो है वो इस तरह से अपना एडवर्टाइज करता है कि आपके सारे प्लान हैं, आपको ना वाईफाई और सेट टॉप बॉक्स दोनों का सेम आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, उसमें आपको मिल जाएगा, आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। लेकिन क्या होता है कि 399 वाले प्लान में जो है वो आपको सिर्फ वाईफाई मिलता है, आपको सेट टॉप बॉक्स नहीं मिलता है। तो एक मेजर डिफरेंस तो आपको इसमें ना ये मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं इसके लगाने के तरीके पे कि आप जो 399 वाला प्लान अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा और किस तरह से आएगा। तो क्या इसकी वेबसाइट पर जाके ना आप कस्टमर केयर के थ्रू फोन करके उनको कॉल करेंगे, आप बताएंगे कि जी मैं इस जगह पर रहता हूँ और मुझे ना एक उसका बुक कराना है, मुझे वाईफाई का जो राउटर है वो मुझे लगवाना है। तो उस बुकिंग अमाउंट होगा आपका 1000 रुपये, और वो 1000 रुपये आपका तब नहीं लगेगा, और या तो उसी दिन या फिर उसके अगले दिन जियो कंपनी की तरफ से वो अपना बंदा आपके यहाँ पे भेजेंगे, आपके एरिया का जो असाइन बंदा होगा वो उसको आपके पास भेजेंगे, ठीक है। वो आपका क्या करेगा, आपकी एक जो आपकी लाइव फोटो खींचेगा, ठीक है, और आपके ना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, वेरीफाई इन द सेंस आपको वो उसकी हार्ड कॉपी लेके अपने पास डिटेल आपकी भरेगा, और 1000 रुपये से आपका बुकिंग अमाउंट है वो आपको दे देगा। इसमें मेन इशू ये कि 1000 रुपये वो बुकिंग अमाउंट बेसिकली वैसा बुकिंग अमाउंट नहीं है। अगर आप 399 वाले प्लान ऑप्ट करते हैं तो आप 6 महीने की आपको वैलिडिटी मिलेगी और वो 1000 रुपये उसी में इंक्लूड हो जाएंगे। बेसिकली क्या है, जब आपका ना जो आपको 6 महीने का जो रिचार्ज है 399 वाले प्लान के हिसाब से आपको पड़ता है 2843 के आसपास, इतना रुपये आपको पड़ता है, तो 1000 रुपये आपके पहले दिन ले लिए जाएंगे एज अ बुकिंग अमाउंट, और ना 1800 कुछ रुपये आपके जब आपका बॉक्स लगेगा ना वो आपको उस टाइम देने पड़ेंगे जब आपका फाइनल हो जाएगा बॉक्स लगाने से पहले, ठीक है। तो ये जो 1800 प्लस 1000, ये जो 2843 के आसपास जो रुपए हैं, ये आपको इसका ना रिचार्ज मिलेगा, ये आपको अलग से पे नहीं करने हैं, इसका आपको 6 महीने का रिचार्ज मिलेगा जिसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। 6 महीने तक आपको कोई बिल नहीं आएगा, आप बड़े आराम से 6 महीने तक उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मेजर बात यह कि पहले जो लगाते थे ये लोग दो उसमें लगाते थे, एक प्रीपेड लगता था और एक पोस्टपेड लगता था। अब जब से इन्होंने राउटर और सेट टॉप बॉक्स फ्री देना स्टार्ट किया है, तो इन्होंने क्या कर दिया है, ये प्रीपेड नहीं देते हैं, सिर्फ ये पोस्ट पेड देते हैं, ठीक है, और पोस्ट पेड को भी करते हैं प्रीपेड की तरह से। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इसमें ये है कि अब आपने लगाया प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड आपने किया तो आप चाहते हैं कि यार इस महीने हमने यूज किया, इसके 2 दिन बाद 10 दिन तक हमें यूज नहीं करना, तो हम इसको रिचार्ज नहीं कराते, 10 दिन बाद हम रिचार्ज करा लेंगे। पोस्टपेड में क्या है, आपका बिल आएगा ही आएगा, ठीक है, आप चाहे उसको यूज करें चाहे आप उसको यूज ना करें, आपको बिल ना भरना ही पड़ेगा। लेकिन उसका ये फायदा है कि ना आपको सेट टॉप बॉक्स और राउटर के ना आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, और ये बात मैं सिर्फ 399 वाले प्लान की नहीं कर रहा, ये जो भी अदर प्लान्स हैं, अगर आप स्टार्टिंग में 6 महीने वाला ऑप्ट करते हैं, 6 महीने वाला स्टार्टिंग में ही रिचार्ज कराते हैं, तो आपको उस रिचार्ज के अलावा आपको 1 भी रुपया अलग से नहीं देना, ना ही कोई प्रोसेसिंग फीस है, ना ही आपको बॉक्स के चार्जेस हैं, ना ही कोई बुकिंग अमाउंट है, कुछ नहीं।
जो भी आप अमाउंट देंगे उसका आपको 6 महीने का रिचार्ज आपको मिलेगा, और 6 महीने तक आपका कोई बिल नहीं आएगा। उसके बाद आप पर मंथ के हिसाब से ना उसको आप रिचार्ज करा सकते हैं। अच्छा, और एक बात और, आप चाहते हैं कि आपके 399 वाला प्लान आपने ले लिया, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद आपको लगा कि यार हमें ना सेट टॉप बॉक्स भी लगवाना है, तो उसके लिए भी आपको अलग से अमाउंट, बुकिंग अमाउंट टाइप से कुछ नहीं देना। आपको सिंपली अपनी ऐप में जाके ना, या तो एप्लीकेशन में जाके, या फिर जो आपके पास लगाने आए थे, आप ऑब्वियसली बात है उनका फ़ोन नंबर आप ले लेंगे, या फिर कस्टमर केयर में जाके आप बात कर सकते हैं। वो क्या करेंगे, आपको जैसे 399 वाला प्लान आपने लगाया और 599 वाले प्लान में आपको बॉक्स मिल रहा है, तो जो डिफरेंस है ना दोनों का, आप वो डिफरेंस देके आप अपने घर पे बॉक्स, सेट टॉप बॉक्स आप लगवा सकते हैं। फिर क्या है, आपका पूरा प्रोसेस, आप सेट टॉप बॉक्स का ही मजा ले सकते हो, वाईफाई का आपका लगा हुआ ही है, तो फिर क्या होगा, आपका प्लान ना हर महीने उसके 599 के अकॉर्डिंग आया करेगा, 399 वाला आपका खत्म हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ वाईफाई का राउटर चाहिए, सिर्फ वाईफाई आप यूज़ करना चाहते हो, आप 399 वाला प्लान जो है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं कभी तक भी, जब तक आपका मन करे। और बाकी प्लान्स की तरह ही 399 वाला जो आपका प्लान है, इस प्लान में भी आपको एक लैंडलाइन नंबर दिया जाता है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। एक आपको सिंपल क्या करना है, एक आप लैंडलाइन फ़ोन ले लें 300-400-500 रुपये का, बाकी महंगा तो जितना मर्जी आप लेना चाहें आप उसको ले सकते हैं, उसको घर पे रख सकते हैं। उस लैंडलाइन का इस्तेमाल आप कॉलिंग के लिए कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको उसका अलग से 1 भी रुपया नहीं देना है। तो आपको 30 Mbps की स्पीड मिलती है अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड बेसिकली 3300 GB आपको मिलता है, 3300 GB बेसिकली इसको अनलिमिटेड बोला जाता है, लेकिन ठीक है 3300 GB आप यूज़ करेंगे। उसके बाद अगर आपका बाई चांस वो ख़त्म हो गया तो आपको 64 Kbps के हिसाब से आप इंटरनेट नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 3300 GB आप ख़त्म होता नहीं है, ठीक है। और बाकी डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह से आप लगवाना चाहते हैं, अगर आप ऑफिस स्पेस के हिसाब से लगवाना चाहते हैं, ऑफिशियल वर्क के लगाना चाहते हैं, तो उसके अलग से प्लान है, उसके लिए आप फिर कुछ अलग से बात करेंगे। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ घर के लिए, ठीक है। तो घर में आपको ना ये 30 Mbps की आपको स्पीड मिलेगी, अनलिमिटेड आपको कॉलिंग मिलेगी लैंडलाइन के थ्रू, एक लैंडलाइन का नंबर मिलेगा, ठीक है, उसमें आप लैंडलाइन के थ्रू आप बात कर सकते हैं। तो आई होप 399 वाले प्लान को आपको किस तरह से लगाना है, उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं, क्या क्या उसके फ़ायदे हैं, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि आपको सारे पॉइंट मैं कवर करके बता दूं। फिर भी अगर आपके मन में ना कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, या कुछ ऐसा होता है ना वीडियो बनाते हैं तो माइंड से कोई बात स्किप हो जाती है, अगर आप चाहते हैं कि कोई बात रह गई आपके मन में, कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप नीचे ना कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका आंसर देने की और आपकी जो क्वेरी है उसका समाधान करने की। तो बस यही था, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके काम आएगी और आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक गैजेट्स को और साथ ही प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।